तक मैंने जितने भी Q&A सेशंस करे या अगर मैं किसी से मिलता हूँ, बात करता हूँ, जो क्वेश्चन सामने आते हैं, तो दो तरह के क्वेश्चन हैं जो सामने आते हैं। एक ये कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहा, मतलब शुरू ही नहीं कर पा रहे काम को। दूसरा ये कि शुरू तो कर दिया लेकिन उसके बाद में मैं उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा, कि कुछ दिन तक किया फिर उसके बाद में इंटरेस्ट गया और फिर उसके बाद में उसको छोड़ दिया। ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं जो जो सामने आती है। बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है दोनों में से? सेकंड वाली प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। ये दोनों जो है वो बिल्कुल सूटेबल है उसके लिए, उस एग्जाम्पल के लिए जो एग्जाम्पल मैं अभी देने वाला हूँ। हर्षित हमारे पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है और धर्मेंद्र इज द हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन आर कंपनी। देखो, जब तक हमने अभी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल क्या आप दोनों वेट लॉस करना चाहते हैं अपना? बिल्कुल चाहते हैं। इसके लिए आपने आई एम 100% श्योर कुछ ना कुछ जरूर किया होगा और बहुत कुछ किया होगा। हाँ, कई बार ट्राई किया लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको फिर स्टॉप कर दिया, कंटिन्यू नहीं करना। तो अब बेसिकली बात करते हैं आज सोल्यूशन की, और बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है जो हमको करना है। देखो, हम करते क्या है प्रॉब्लम की, अगर हम जड़ को समझने की कोशिश करें, मैं इस पे बोर्ड पे थोड़ा सा आपको बना करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमारे सबके अंदर कुछ डिजायर्स होते हैं कि हमको ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सिंपल सा डिजायर है कि एक हमारा टारगेट है कि हमको अपनी पेट को कम करना है। अब हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं। एक तरफ तो हम क्या करते हैं कि हम काम को करते हैं लेकिन कोई गोल ही नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, मतलब बस कर रहे हैं, सुना किसी से कि ये करना अच्छा होगा और करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद हम बोर हो गए। इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि ये बोरिंग है। जैसे ही हम कोई काम को करेंगे और हमारे पास में कोई गोल नहीं होगा तो हम बहुत जल्दी उसके अंदर बोर हो जाएंगे, होंगे ही होंगे, चाहे काम कितना भी इंटरेस्टिंग हो। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, हम बोर हो जाते हैं उस काम को करने करते। दूसरी तरफ क्या होता है, हम एक बहुत बड़ा गोल सेट कर देते हैं, ह्यूज गोल, बहुत बड़ा हमने गोल सेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने माइंड के अंदर बिठा लिया कि मैं ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूं या मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं कि मेरा वेट अगर आज 85 है या 90 है उसको कम करके मेरे को सीधा 70 करना है, 70 करना है। ये दोनों ही अपने आप में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इन दोनों के बीच में एक रास्ता है जो बड़ा सिंपल सा है और इंटरेस्टिंग है। करना क्या है कि बहुत छोटे से गोल सेट करने, लिटिल गोल्स, बहुत छोटे, और जैसे ही उसको अचीव करते हैं हमें अपने आप को अवार्ड देना है, हमें अपने आप को शाबाशी देनी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं बहुत सिंपल तरीके से कि इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर हमको इसको कम करना है तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं, सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्या होती है कि हमको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। एक बार इधर आ जाओ, जैसे हम अगर लाइन में खड़े हो जाते हैं, करो, आओ, घुटने नहीं मोड़ने, है ना, और हमने इसको करना शुरू कर दिया। अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अब अगर ये काम अभी आप कर तो रहे हो लेकिन अगर इसी को करते रहोगे, आ जाओ ऊपर आ जाओ, अब अगर इसी काम को करते रहोगे कुछ दिन बाद क्या होगा, बोरिंग सा लगेगा, बोरिंग लगेगा, बल्कि अभी भी लग रहा होगा, अभी भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है, यार ये क्या कर रहा हूं मैं, ये अजीब सी चीज है ना, इससे कुछ होना तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई गोल ही नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई अंदर से इंस्पिरेशन ही नहीं है उस काम को करने की, है ना। जबरदस्ती करोगे, कहोगे यार इससे कुछ होना होना तो है नहीं, छोड़ो, बेकार है, बेकार है, तो इसका मतलब ये फंडा तो काम करेगा ही नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे एक्सट्रीम में कि आपने एक बड़ा गोल सेट कर दिया, जगह जगह अपने पोस्टर्स लगा दिए या अपने माइंड के अंदर बिठा दिया कि मेरा जो वेट है वो 85 से कम होकर के 50 पे आ जाए या 70 पे आ जाए। 50 पे तो बहुत ही करीना कपूर बन जाओगे आप, साइज जीरो हो जाएगा। माइंड के अंदर आप इमेजिन करते चले जा रहे हो कि मैं बिल्कुल कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। अब ये जब कर रहे होगे तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही शीशे में जा करके देखोगे तो लिया यार कुछ होता तो है नहीं, कोई फायदा तो है नहीं, है ना, टाइम वेस्ट कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो बीच का रास्ता क्या है, कि एक छोटा सा गोल सेट करना है और अपने आप को शाबाशी देनी है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब हमने क्या किया, पहले भी देखते हैं कि कैपेसिटी कहां तक है आपकी, बिना घुटने मोड़े कहां तक जा सकते हो। करो आप, यहां तक आप गए, बस इतना ही जा पा रहे हो, बस आ जाओ ऊपर आ जाओ, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है कि जितना आपने अभी पहले किया था, जितना भी जहां तक गए थे उससे थोड़ा सा फालतू जाना है, इतना सा, इतना सा बस, ये आपका गोल है, और अगर ये कर लिया तो आप सक्सेस हो गए। करो एक बार, करो थोड़ा सा ज्यादा, बस आ जाओ ऊपर आ जाओ, पहले से ज्यादा कर लिया, हाँ, अब अपने आप को शाबाशी देनी है। सिंपल अपने आप को बोलना है सही जा रहा है, सही जा रहा है, बस। बार बार किसी भी काम को हमको पहले से थोड़ा सा बेटर करना है और अपने आप को शाबाशी देनी है। हम अपने आप को फीडबैक नहीं देते,
अपने आप को फीडबैक दे दिया, नहीं पहले से बेटर है, पहले से मैं बेटर कर रहा हूं, पहले से बेटर हो रहा है, पहले से बेटर, चाहे इतना सा हो रहा है, इतना सा भी हो रहा है बहुत है, जरूरी नहीं हमको पहले से इतना बेटर करना है, इतना बेटर अपने आप हो जाएगा अगर हम इतना इतना करते चले जाए। उससे एक और बेनिफिट क्या होगा, एक बहुत बड़ा बेनिफिट, कि आपके अंदर प्यास रह जाएगी कल उस काम को दोबारा से करने की। आज ही अपनी सारी प्यास को नहीं बुझाना, अगर आज ही आपने सारी एक्सरसाइज कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है आज एक घंटा, तो एक घंटा ना करके 50 मिनट करो, तो क्या होगा, कल अपने आप ही मन करेगा कि यार कल ना थोड़ी सी कम करी थी, आज मैं और कर लेता हूं, लेकिन मन है आपका एक घंटा कर देगा, और आप हिम्मत करके जोर लगा लगा करके 2 घंटा कर लेते हो, क्या होगा, कल मन ही नहीं करेगा जाने का, मन आपका ऊब जाएगा। ये चीज हर एक के अंदर होती है, और यही गलती हम करते हैं, हम करते क्या है, पहले तो कुछ करते ही नहीं है कई महीनों तक, और फिर जैसे ही करने की कोशिश करते हैं एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर जाकर के अटक जाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे 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 धीरे, और अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे और अपनी प्यास को बचा करके रखोगे कल के लिए, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब इस पूरे फंडे को अगर मैं समअप करूं, अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा, तो काम को काम की तरह नहीं देखना, काम को खेल बनाना है। कभी भी इस चीज को नोट करके देखना, हम खेलते खेलते बोर नहीं होते कभी भी, काम करते करते क्यों बोर हो जाते हैं, क्योंकि काम में खेल नहीं है, काम को हम खेल नहीं बना पा रहे। प्रैक्टिकल लग रहा है फंडा सुनने में? बिल्कुल लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है, बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, पुशअप्स मारते हैं, है ना, अब जितनी कैपेसिटी है, पहले कभी मारे हैं पुशअप्स, मारे कितने, कितनी कैपेसिटी है, कभी तो 15 मार लेते हैं, कभी 16, कभी आज के 3-4 15 मारते हो, 16 मारते हो, आप कितने मार लेते हो, 2-3 मार लेते हो। तो अब इस फंडे को अगर यहां पर अप्लाई करना है तो क्या करना है, अगर आपकी 15 की कैपेसिटी है तो आज कम करना है ताकि कल के लिए प्यास बनी रहे। अगर आज से आप पुशअप्स करने शुरू कर रहे हो, आपकी 15 की कैपेसिटी आपको सिर्फ 8 मारने हैं, आपकी 2 की कैपेसिटी आपको सिर्फ 1 मारना है, ठीक है, आओ करते हैं, लेट्स डू इट। अब लालच आएगा और ज्यादा करने का, लेकिन वो लालच नहीं करना, चलो उठ जाओ। धर्मेंद्र की शक्ल से पता लग रहा था कि लालच आ रहा था, मन कर रहा था कि और करूं, है ना, मन कर रहा था और करूं, इसी मन को कंट्रोल करना है, यही सारा खेल है। मन करेगा कि आज मैं 20 ही मार जाऊं यहां पर, किसी तरीके से आज ही 20 कर लूं, कल के लिए कुछ ना छोड़ू, कल के लिए छोड़ना है, कि अभी प्यास है तो मन करे अभी भी 1-2 बार कर ही लूं। एग्जैक्टली, यही तो समझना है। मेरा सिंपल सा फंडा होता है कि अगर मैं मेडिटेशन करता हूं तो अगर मेरा मन कर रहा है 1/2 घंटा करने का, तो मैं सिर्फ 20 मिनट करूंगा, 20 मिनट में उठ जाऊंगा, ताकि दोबारा मन करेगा उसको करने का। लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करने का मन कर रहा है 10 मिनट, करेंगे 20 मिनट, और अगले दिन से मेडिटेशन से ही नफरत हो जाएगी। ऐसे ही होता है, योगा करने का मन कर रहा है 10 मिनट, लेकिन जा करके जबरदस्ती 1 घंटा करेंगे, एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन कहेंगे यार कितना बोरिंग है, मैं नहीं करूंगा। देखो फेल कौन हो सकता है, फेल सिर्फ वो आदमी हो सकता है जो अटका हुआ है कहीं ना कहीं जा करके, चाहे किसी भी लेवल पे अटका हुआ है वो फेल हो गया, क्योंकि जो आदमी एक लेवल पे अटक गया वो फेलियर है, और जो थोड़ा सा भी आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये आदत की बात है, उस आदत को बदलना है। अभी हमारी आदत क्या है कि कोई काम करने का मन किया, हम एकदम से भागने लग गए, या फिर रुके हुए हैं, अब भाग भाग करके थक गए, थक करके रुक गए, फिर भागे, फिर थक गए, फिर रुक गए, या फिर भाग ही नहीं रहे हैं, या फिर डरे हुए हैं। तो करना क्या है, भागने में रिस्क है, रुके रहने में तो उससे भी बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो धीरे 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 चलते रहना है, बस आगे 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 बढ़ते रहना है। ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि मुझे किसी हालत में जिंदगी में रुकना नहीं है और भागना भी नहीं है। ये भागने की मेंटालिटी है जो बहुत लोगों को डुबा रही है, जिसकी वजह से लोगों का बुरा हाल हो रहा है, कि एकदम से ही भागेंगे, एकदम से क्या हो जाएगा भागने से, जिंदगी कोई रेस है क्या 1 दिन की या 2 दिन की, नहीं है, जिंदगी बहुत लंबी है। तो जीतेगा वो एंड में जो चलता रहेगा हर सिचुएशन में, बीच में सक्सेस आया, फेलियर आया, कोई बात नहीं, छोड़ा, आगे बढ़े, चलते जा रहे हैं, 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 और जाते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप पीछे अपने आप को पलट करके देखोगे तो आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा कि मैं इतना आगे आ गया। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आज रातों रात कोई महल खड़ा करना,
ऐसा होता भी नहीं है, फिल्मों में हो सकता है, थियोरेटिकल वर्ल्ड में हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, हर चीज में टाइम लगता है, समय लगता है। तो फंडा यह नहीं है कि रातों रात हमको क्या चीज करनी है, फंडा यह है कि अपनी आदतों को कैसे बदलना है, अपनी हैबिट को कैसे बदलना है, सारा खेल उस चीज का है। जो आदमी अपनी आदतों को बदल सकता है तो उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है, लेकिन जो अपनी आदत को नहीं बदल सकता उसके साथ कल भी वही होगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा, अलग अलग फील्ड्स में होगा जो आज तक होता आया है। उसको अपनी आदतों को बदलना है। आदत कैसे बदलेगी? जब एक चीज को आप रेगुलर कर पाओगे। अगर रेगुलर किसी काम को करोगे ही नहीं तो आदत कैसे बदलेगी? आज आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल, हमारी आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, आदत को बदलना है तो क्या करना होगा? कुछ दिन तक एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। एज सिंपल एज दैट, यही तो है ना। अभी आदत है एक्सरसाइज ना करने की, अब हमको आदत क्या डालनी है एक्सरसाइज करने की। अगर एक दिन में हमने कोई झंडे गाड़ भी दिए, एक दिन में अगर हमने 4 घंटे एक्सरसाइज कर भी लिया, क्या उससे हमारी आदत बदल गई? अपनी हैबिट को बदलना है कि अगर अभी हमारी आदत है एक्सरसाइज ना करने की, अब हमको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, तो छोटा सा गोल सेट करना है एक्सरसाइज के अंदर, जितना मन कर रहा है एक्सरसाइज करने का आज, उससे कम करना है ताकि कल के लिए कुछ बाकी रह जाए, प्यास बाकी रहे। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जल्दी कुछ करोगे और लाइव अपना एग्जांपल सेट करोगे यहां पर। हाँ, एकदम से करेंगे तो एनर्जी रिड्यूस होगी। एग्जैक्टली, एकदम से किसी भी काम को करेंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी कल उस काम को करने के लिए। जब एनर्जी नहीं होगी तो करोगे कैसे? प्रैक्टिकल है, देखो, सिंपल सा कॉमन सेंस है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सबको पता है। मैं सिर्फ याद दिलाने का काम कर रहा हूं। आप भूल गए हो, आपको एक काम को करना एक तरीके से चाहिए, लेकिन आप कर किसी और तरीके से रहे हो, और मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, देखो ये भी एक तरीका है, इसको ट्राई करके देखो, काम हो जाएगा।